नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि महंगाई भत्ते के साथ केंद्रीय कर्मचारी को मिलने जा रही है एक और बड़ी खुशखबरी। सैलरी में होगा तकड़ा उछाल, हो गया है कन्फर्म। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि महंगाई भत्ते के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को एक और कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जल्द ही उन्हें डबल खुशखबरी मिलने वाली है। आने वाले महीने में उनकी सैलरी में ज़बरदस्त उछाल आएगा। जैसे जैसे महीना गुजर रहा है उनकी सैलरी बढ़ती नज़र आ रही है। यह कोई फॉर्मूला नहीं है बल्कि महंगाई भत्ते के साथ ही ये सपना पूरा होने जा रहा है। दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी को मिलने वाला महंगाई भत्ता जुलाई में बढ़ने वाला है। फिर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ते में दोबारा इजाफा होगा। ऐसी स्थिति में उनकी सैलरी में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और उनकी सैलरी की पूरी कैलकुलेशन ही बदल जाएगी। दोस्तों, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारी का हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सरकार इसके लिए पहले ही एक अधिसूचना जारी कर चुकी है कि कर्मचारी का HRA महंगाई भत्ते से लिंक है। जैसे ही महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस करेगा तो HRA में भी रिविज़न हो जाएगा। जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा होना तय है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 42% है। जनवरी जून 2023 के इंडेक्स नंबर जारी होने के बाद यह तय हो जाएगा जुलाई से कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अभी तक जो नंबर आए हैं उनसे साफ हो गया है कि महंगाई भत्ते में 4% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। महंगाई भत्ते के साथ ही दूसरे अलाउंस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिनमें सबसे बड़ा हाउस रेंट अलाउंस होगा। दोस्तों, साल 2021 में जुलाई के बाद महंगाई भत्ते में 25% क्रॉस होने के बाद ही HRA भी रिवाइज हो गया था। सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28% किया था। HRA की मौजूदा दर 27%, 18%, 9% है। अब यह सवाल ये है कि DA बढ़ने के बाद HRA का रिवीजन कब होगा। दोस्तों, DOPT के एक मेमोरेंडम के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस में रिवीजन महंगाई भत्ते के आधार पर होता है। शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27%, 18% और 9% की दर से HRA दिया जाता है। यह बढ़ोतरी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू है। 2015 में जारी मेमोरेंडम के मुताबिक HRA को DA के साथ समय समय पर रिवाइज किया जाता है। अब अगला रिवीजन होना है, लेकिन यह तब होगा जब महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों, सातवें वेतन आयोग के तहत हाउस रेंट अलाउंस में अगला रिवीजन 3% का होगा। अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़कर HRA 30% हो जाएगा, लेकिन यह तब होगा जब महंगाई भत्ता 50% पर पहुँच जाएगा। DA के 50% क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा। HRA की कैटेगरी XYZ क्लास शहरों के हिसाब से, जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं, उन्हें 27% HRA मिल रहा है। जो 50% DA होने पर यह 30% हो जाएगा। Y क्लास वालों का 18% से बढ़कर 20% हो जाएगा और Z क्लास वालों का 9% से बढ़कर सीधा 10% हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।